इस पर्ची पर आओ, कुछ इल्जाम लगे हैं उन्हें मैं पहले उनका निवारण कर लूं। जो भी विषय है वो विष नहीं है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस विषय के बारे में कितना जानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जानने के बाद भी हम उसको बोल नहीं पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते। दो लोगों ने, तीन लोग, अब तो पांच में से तीन हो गए, एक ने तारीफ की कि उनके मनमाफिक विषय मिला है, दूसरे ने कहा सर ने जबरदस्ती दे दिया है, तीसरे ने कहा कि कभी सुना नहीं था ये शब्द, चौथे ने तो विषय बना दिया। दरअसल कोई भी शब्द वो हमारी जिंदगी के किसी न किसी पहलू को इंगित करता है। आप ध्यान से देखिए, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो गाहे बगाहे हमारे होठों पे आती है, कभी किसी बात पे, कभी बेबात पे। और जहां तक जीव विज्ञान का सवाल है, वो भी यही बात कहती है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी कई ग्रंथियां ऐसे रसों का श्राव करती है कि आपके चेहरे का तनाव वो ढीला हो जाता है, आपके चेहरे पर चमक आती है और अंतः मन तक आपका खुश हो जाता है। और जब आप खुश होते हैं तो चारों तरफ अपने आप खुशहाली फैलना शुरू होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, लोग उस ऊर्जा के दायरे में आते हैं और आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। विरह बिना संयोग के वियोग नहीं होता, किसी से दूर हो जाना विरह नहीं है। विरह तब होता है जब आसक्ति बढ़ती है, और वही आसक्ति हमें विरह का एहसास दिलाती है जब हम जिसके पीछे पागलों की तरह भागते हैं और वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। दिल ये मानने को तैयार नहीं होता है कि वो खो गया है, छुप गया है, हम उसके पीछे मरीचिका के पीछे भागने जैसा भागते रहते हैं, तो विरह का एहसास होता है। बेटी जब विदा होती है वो विरह नहीं है, वो विदाई है। और आप जानते हैं कि बेटी को ससुराल जाना ही होगा। हाँ, बेटी ससुराल जाके आपके घर में आके रहे और दो महीने तक रहने के बाद तब अगर वो जाए तब आपको एहसास होगा कि बेटी अब मेरी अपनी नहीं है, क्योंकि दो महीने के बाद चली गई। विरह बिना मिलन के संभव ही नहीं है। चरित्र, चरित्र शब्द जब हमारे दिमाग में आता है तो माफ कीजिए, बहुत सारे लोग इसके बारे में भ्रांति में हैं। एक नैतिक चरित्र होता है और एक आपका व्यक्तित्व का चरित्र होता है। चरित्र शब्द कहने के बाद हम लोग हमेशा नैतिक चरित्र पे ही उतरते हैं। अगर कहा जाए कि वो व्यक्ति चरित्रहीन है तो आपके दिमाग में बस एक ही बात उभरेगा कि अगर वो पुरुष है तो किसी अन्य महिला के साथ उसका अवैध संबंध है, इसीलिए वो चरित्रहीन है। ठीक स्त्री के बारे में ये चरित्र नहीं है, ये नैतिक चरित्र है, ये पूरी तरीके से चरित्र नहीं है। अगर मैं कहूं ये शिक्षक चरित्रहीन है तो फिर एक बार आपका ध्यान वहीं जाएगा, जबकि वो गलत है। एक शिक्षक का चरित्र होता है अपने बच्चों को शिक्षा देना, सही मार्ग पर उसे अग्रसर करना, ज्ञान देना। अगर शिक्षक वो करने में असफल है तो उसके अंदर शिक्षक का चरित्र नहीं है, वो शिक्षक के रूप में चरित्रहीन है। अगर एक चिकित्सक चरित्रहीन है तो इसका मतलब है कि चिकित्सक का जो धर्म होता है
उसका वो पालन नहीं कर रहा। आज के सारे नेता चरित्रहीन है क्योंकि वो नेतृत्व नहीं देते हैं, जनता को सही दिशा नहीं दिखाते हैं, इसलिए वो चरित्रहीन है। चरित्र बहुत बड़ा एक शब्द है, हम केवल उसे नैतिक चरित्र से जोड़ करके देखते हैं, और अगर एक शब्द आता है चरित्रहीन तो दिमाग में घंटियां बजती हैं और हम एक जगह आके अटक जाते हैं। वो नहीं है। चरित्र का अर्थ होता है जैसे एक शिक्षक का चरित्र, एक छात्र का चरित्र, एक वकील का चरित्र, वो आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है कि आप उस योग्य हैं या उस योग्य नहीं हैं। अगर हैं तो चरित्रवान हैं, अगर नहीं हैं तो चरित्रहीन है। वो चरित्र होता है, एक बिच्छू का चरित्र होता है डंक मारना, अगर उसे वो छोड़ दे तो वो भी चरित्रहीन। उसके बाद का विषय मुझे लगता है क्या था चरित्र के बाद? तृष्णा। तृष्णा एक प्यास है, और ये प्यास किसी भी चीज के लिए हो सकती है। सच पूछिए तो पूरी मानव जाति तृष्णा से ग्रसित है, कोई रूप के लिए, कोई यौवन के लिए, कोई धन के लिए, कोई संपदा के लिए, कोई ताकत के लिए, हर कोई भागता है इसके पीछे। और हम तब तक भागते चले जाते हैं जब तक हम थक करके गिर नहीं जाते, हमारी तृष्णा खत्म नहीं होती, तृष्णा का अंत नहीं होता। और शायद यही कारण है कि मनुष्य वो कभी ईश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि तृष्णा का अंत यानी मनुष्यत्व से ऊपर उठ करके देवत्व की प्राप्ति करना, वो कभी हो नहीं सकता। हम हमेशा जो मिलता है उससे ज्यादा की चाह रखते हैं, उससे ज्यादा की ख्वाहिश रखते हैं, उसके पीछे भागते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, लेकिन भागना छोड़ते हैं। मुझे जो विषय मिला है वो है संदेह। अब आप लोगों को मिलता तो आप कहते कि विषय है। मेरे लिए विषय है संदेह। एक अवयव है हमारे सामाजिक जीवन का। हम कभी अपनों पे, कभी गैरों पर संदेह करते हैं। हम जितना प्रबुद्ध होते जाते हैं, जितना पढ़ते लिखते जाते हैं, संदेह की मात्रा उतनी बढ़ती चली जाती है। गांव में आज भी लोग बेहिचक कुछ से कुछ कह देते हैं, ठीक है, लेकिन शहर में एक शब्द कहने के पहले सोचते हैं कहीं ये किसी को कहेगा तो। हमारे अंदर की मासूमियत जब खत्म होती है तो संदेह के दायरे में हम गिरते चले जाते हैं। हम अपने ऊपर संदेह करते हैं जब हम असफल होते हैं कि क्या मैं ये करने योग्य भी नहीं, क्या मुझे ये प्राप्त नहीं हो सकता, क्या मेरे अंदर कुछ कमी है। और दूसरों पर संदेह करना ये तो आजकल आधुनिक काल में मानव जीवन का एक धर्म सा बन गया है। हम लोगों पर संदेह इसलिए करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ के रास्ते में एक पत्थर की तरह नजर आते। हमारी लड़ाई किसी से होती है, वो सामने वाला चाहे कुछ बोल रहा हो ना बोल रहा हो, हमें देखकर वो हंस रहा हो ना हंस रहा हो, लेकिन हमें लगता है कि वो कहीं हमें देखकर के कुछ बोल तो नहीं रहा, कहीं हमारे ऊपर हंस तो नहीं रहा। ये संदेह कभी कभी इतना व्यापक हो जाता है जब संबंधों के बीच में आता है। अगर पति को पत्नी पर संदेह हो जाए, अगर पत्नी को पति पर संदेह हो जाए, तो आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। एक मासूम सा पवित्र रिश्ता अगर संदेह की भेंट चढ़ जाए तो नारकीय हो जाता है, विष वहां होता है। अब यह है कि संदेह से बाहर कैसे निकला जाए।
आप जितने पढ़े लिखे होंगे संदेह उतना गहराएगा। कुछ पल के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल स्थगित कर दीजिए, सोचिए मत। बस यही सोचिए, अगर आपने यकीन किया है तो यकीन की जमीन इतनी कच्ची नहीं हो कि आपके पांव उस पर फिसलने शुरू हो। अपने कदमों के नीचे यकीन की जमीन को मजबूती से महसूस कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी आंखें ही क्यों ना कुछ देख लें, मैं संदेह नहीं करूंगा या मैं संदेह नहीं करूंगी, क्योंकि कई बार आंखों का देखा भी सच नहीं होता। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसे रोक सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आपको खुद से अज्ञान बनना होगा। अगर आप अज्ञानी बन जाते हैं, सारे ज्ञान को आप अलग कर देते हैं, क्योंकि जितना ज्ञान होगा संदेह उतना विकसित होगा। संदेह एक ऐसा विश्व वृक्ष है जो ज्ञान के जमीन पर पलता है। आप जितना पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे, अपने आप को ज्यादा समझते होंगे, आपके दिमाग की सारी सिराएं संदेह के फूलों को चुन चुन करके माला बनाएगी और वो विश्व वृक्ष होगा। बहुत मामूली सा आदमी, अनपढ़ सा आदमी वो संदेह नहीं करता है उतना, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी उसके दिमाग में अगर कोई बात बैठ जाए तो उसके बाहर नहीं कर पाता। इसलिए कोशिश कीजिए कि विश्वास आपका ज्यादा मजबूत हो, संदेह आपका कमजोर होता चला जाएगा। और हर रिश्ते में, हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। अगर आप विश्वास पर चलते हैं तो यकीन मानिए ये संदेह कभी बीच में उगेगा नहीं और रिश्ते परंपरागत तौर पे स्वस्थ होंगे और रोशनी का विषय आपके चेहरे की शोभा को बढ़ाएगा।